गुड मॉर्निंग, मैं आप सभी को आज दाब और क्षेत्रफल के रिलेशन के बारे में समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ थर्मोकोल के गिलास रखे हैं। एक तरफ मैंने दो गिलास रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं इधर मैंने बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं। तो अब मैं जो ये दो गिलास रखे हैं, मैं इन गिलासों के ऊपर खड़ी होकर देखूंगी। तो मैं देखूंगी कि क्या मैं इन पर जब खड़ी होती हूँ ये पिचकेंगे या नहीं। अब देखिए, और फिर जब मैंने यहाँ पे मैंने बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं, मैं इनके ऊपर भी खड़ी होकर देखूंगी क्या ये पिचकेंगे या नहीं। तो देखते हैं, आइए पहले हम इन दो गिलासों के ऊपर खड़ी होकर देखते हैं। ये देखिए, ये मैं इन दोनों गिलासों के ऊपर खड़ी हुई और ये देखिए आपके सामने है ये पिचक। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम था इसलिए ये दाब सहन नहीं कर सकी। अब मैं इन गिलासों के ऊपर खड़ी हूँगी। ये देखिए, मैं अपना पूरा वजन देकर इन गिलासों के ऊपर खड़ी हुई हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो गिलास है ये बिल्कुल नहीं पिचके। तो इनका क्षेत्रफल ज्यादा था और इन्होंने इनका क्षेत्रफल ज्यादा था तो ये जो दाब में जो दाब थी वो बट गई इसलिए ये पिचके हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि जो क्षेत्रफल है वो दाब के भी उसके अनुपाती है। धन्यवाद।